जोजो किड्स। जादुई मेंढक सोनू और मोनू बहुत अच्छे दोस्त थे। शाम के वक्त वे दोनों साथ साथ गेंद से खेला करते थे। एक दिन सोनू ने मोनू से कहा, चलो दोस्त आज नदी किनारे चलते हैं। बहुत दिन हुए वहाँ जाकर नहीं खेला। मगर वहाँ जाएंगे तो हमारी गेंद पानी में गिर सकती है। कुछ नहीं होगा, तुम चलो तो सही। ठीक है। दोनों नदी किनारे जाकर खेलने लगते हैं। अब उन्हें वहाँ बहुत अच्छा लगता है। सोनू कल से रोज यहाँ आएंगे, सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों दोस्त ने तय किया कि अब वो रोज यहीं आकर खेलेंगे। कुछ दिन तक सोनू मोनू वहीं जाकर रोज खेलने लगे। पानी में एक जादुई मेंढक रहता था जो उन्हें हमेशा देखकर खुश हुआ करता था। काश मैं भी इनके साथ खेल सकता, बड़ी ही मजेदार गेंद है, मगर मैं इनके साथ कैसे खेलूं? एक दिन सोनू खेलते समय मोनू से कहने लगा, ध्यान से दोस्त, कहीं गेंद को पानी में मत फेंक देना, हमारे पास और गेंद नहीं है। अचानक कुछ देर बाद मोनू से गेंद पानी में जा गिरी। अरे तुमने ये क्या किया, अब हम क्या करेंगे? अचानक मेंढक को मौका मिला। मेंढक ने गेंद को सोनू मोनू को वापस लौटा दिया। अरे ये कैसे हो सकता है? अरे दोस्त देखो हमारी गेंद वापस आ गई। दोबारा फेंक कर देखूं? नहीं नहीं, अगर फिर न लौटी तो? कुछ नहीं होगा। सोनू ने दोबारा गेंद को पानी में फेंका। फेंकते ही वापस मेंढक ने गेंद को बाहर कर दिया। अरे ये देखो हमारी गेंद फिर से वापस आ गई। कौन है पानी में, कौन है जो हमारी गेंद वापस कर रहा है? मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। मैं हूँ जादुई मेंढक, मुझ में बहुत सी शक्तियाँ हैं। मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ, पेड़ पर चढ़ सकता हूँ और बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या सच में? तुम तो बड़े मजेदार हो, आज से हमारे साथ खेला करो। तुमने हमारी सबसे अच्छी गेंद हमें लौटाई है, आज से तुम भी हमारे दोस्त हो। जरूर। जादुई मेंढक सोनू मोनू का दोस्त बन चुका था। अब जब भी उन्हें खेलना होता वे नदी किनारे ही आते, और जब भी नदी किनारे आते और पानी में गेंद चली जाती तो जादुई मेंढक उनका अपना दोस्त उसे वापस कर देता। पापड़ वाली का व्यापार। सुधा एक बहुत ही मेहनती औरत थी। वह दिन रात पापड़ बनाती और घर घर जाकर बेचती। सभी उसके पापड़ खाकर बहुत खुश होते। बिमला बहन पापड़ ले लो। अरे सुधा आओ आओ अंदर आओ। नहीं नहीं आज दूसरे गांव भी जाना है, थोड़ी जल्दी में हूँ। अच्छा ठीक है, एक बात कहूँ सुधा? हाँ हाँ कहो बहन। तुम एक दुकान खोल लो, ये यूँ बाहर बार बार निकलना बहुत परेशान करने वाला है। नहीं बहन, मेरे पास इतने पैसे कहाँ कि दुकान खोल सकूं। मुझे तो बच्चों की स्कूल की फीस तक भरना मुश्किल हो जाता है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। सुधा दूसरे गांव में अपने पापड़ बेचने गई। वहाँ सभी ने बहुत खुश होकर उसके सभी पापड़ खरीद लिए। पापड़ बेचकर जब वह वापस आ रही थी तो रास्ते में उसे एक महिला मिली। मेरे पास पापड़ खरीदने के पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे इसकी विधि बता सकती हो? मेरा बेटा इसे खाना चाहता है। आज नहीं तो कल जब पैसे होंगे तब बनाकर खिला दूंगी। ये लो मेरी तरफ से तुम्हारे बेटे के लिए, मगर विधि मैं एक शर्त पर बताऊंगी। क्या? अगर तुम भी इस तरह रोज मेरे बने पापड़ बेचोगी मैं रोज तुम्हें कुछ पैसे और पापड़ दूंगी। सच? हाँ हाँ ये ठीक रहेगा, मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत दिनों से काम की तलाश में भी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन। सुधा का काम दो गुना हो गया। अब वह हर गांव में जाकर एक महिला ढूंढती और उसकी मदद करती। ऐसा काफी समय तक चलता रहा। धीरे धीरे सुधा के पापड़ गांव ही नहीं शहरों तक पहुँचने लगे। अब सुधा ने अपनी खुद की फैक्ट्री बना दी जहाँ बहुत से कारीगर काम करने लगे। कैसी हो विमला बहन? ठीक हूँ। याद है एक समय था तुम एक दुकान खरीद नहीं पा रही थी, और आज तुम्हारी कामयाबी देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ये सब तुम्हारी सच्चाई और मेहनत का नतीजा है। तुम्हारा शुक्रिया बहन। मैंने तो जीवन में यही सीखा है कि मेहनत करने पर हर चीज संभव हो सकती है। हाँ बहन, तुमने ना केवल अपना व्यापार बढ़ाया बल्कि तुमने बहुत सी गरीब महिलाओं की मदद भी की है।
तुम महान हो। बत्तख और मुर्गी। एक तालाब में बहुत सुंदर बत्तख रहती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त एक मुर्गी थी। हर रोज वह अपने दोस्त बत्तख को मिलने तालाब किनारे आती थी। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। दोनों दोस्तों को एक दूसरे की याद आने लगी। अब तो कितने दिन हो गए, बरसात बंद ही नहीं हो रही। मुर्गी को यहाँ आए कितने दिन बीत चुके हैं। मैं इस बरसात से तंग आ चुकी हूँ। तालाब पूरा पानी से भर चुका है और मुझे मुर्गी की बहुत याद आ रही है। मुर्गी को भी अपनी दोस्त बत्तख की खूब याद सताने लगी। कितने दिन बीत गए, बेचारी बत्तख कब तक पानी में परेशान रहेगी। इतनी बारिश है, इतना पानी है, बत्तख के पास तो तालाब के सिवा कोई और घर भी नहीं है। उसका घर तो तालाब ही है। कुछ दिनों के बाद जब बारिश रुकी, तब मुर्गी अपनी दोस्त बत्तख को मिलने के लिए बेचैन हो गई। आज तो मैं अपनी दोस्त के पास जरूर जाऊंगी। आज तो मेरी दोस्त मुझसे मिलने जरूर आएगी। आज तो सूरज निकल आया है, दिन बिल्कुल साफ है। मुर्गी अपनी दोस्त को मिलने के लिए तालाब के रास्ते पर चल पड़ी, पर रास्ते में उसे हाथी मिला। अरे तुम कहाँ जा रही हो, देखती नहीं हो पूरी जमीन कितनी ज्यादा गीली है। 4 दिन की बारिश में जंगल का बुरा हाल हो चुका है। हर तरफ पेड़ गिरे हुए हैं, तुम्हें चोट लग सकती है। तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए। मेरे हिसाब से तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए मुर्गी। नहीं हाथी, मुझे जाने दो। 4 दिन की बरसात में मैं अपनी दोस्त बत्तख का हाल भी नहीं पूछ पाई। मेरे पास तो अपना घर है, मगर मेरी दोस्त बत्तख तालाब में रहती है। मैं जानना चाहती हूँ वो ठीक तो है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है, मुझे उसके पास जाना ही होगा। तुम बहुत अच्छी हो, आओ मेरी सूंड के सहारे से पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें बत्तख के पास ले चलता हूँ। हाथी ने मुर्गी की सहायता की और उसे उसकी दोस्त बत्तख से मिलाया। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुई। मैं मान गया, तुम दोनों जैसा दोस्त पूरे जंगल में नहीं है। सोने की कुल्हाड़ी। एक समय की बात है, एक व्यापारी था जिसका सोने का व्यापार था। एक दिन गांव में बहुत तेज तूफान आया। तूफान के कारण व्यापारी के घर के सामने जो एक बड़ा पेड़ था वह गिर गया। पेड़ बहुत विशाल था। व्यापारी ने कई लकड़हारों को पेड़ काटने के लिए बुलाया, लेकिन वह पेड़ इतना विशाल था कि कोई उसे काट ही नहीं पा रहा था। अरे भाई, कोई मेरी मदद करो, कोई इस पेड़ को काट दो, बदले में मैं एक सोने की कुल्हाड़ी देने को तैयार हूँ। मैं इस घर में बंद हो चुका हूँ अपने परिवार के साथ, कोई मेरी मदद क्यों नहीं करता। हे भगवान, मुझे यहाँ से निकालो। गोपी एक गरीब लकड़हारा था जो अपने हाथी दोस्त के साथ पास में ही रहता था। जब उसने व्यापारी की दुर्दशा सुनी तो वह झट से व्यापारी के घर पहुंच गया। अरे अप्पू, अब तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तुम इस पेड़ को अपनी सूंड से हटा देना और व्यापारी हमें सोने की कुल्हाड़ी देगा। अरे भाई, मेरी मदद करो, इस पेड़ को हटाओ। गांव के सभी लकड़हारों को बुला लिया गया, पर पेड़ ना कोई काट पाया ना ही हिला पाया, क्योंकि वह बहुत विशाल था। चिंता मत कीजिए, मेरा हाथी इस पेड़ को जरूर हटा देगा। चल अप्पू। अप्पू ने पेड़ को अपनी सूंड से कस के पकड़ा और उसे दूर फेंक दिया। व्यापारी बहुत खुश हुआ। गोपी को सोने की कुल्हाड़ी इनाम में दे दी, जिसे बेचकर गोपी और अप्पू अब खुशी खुशी रहने लगे। अरे वाह अप्पू, देखा, समझदारी से हमने अपने दिन बदल दिए। यह सब देखकर पास में रहने वाले एक छोटे लड़के को इस बात की भनक लगी। उसने जान पूछकर व्यापारी के घर के आगे एक बड़ा सा पेड़ गिरा दिया। अगले दिन फिर व्यापारी चिल्लाने लगा, अरे कोई मेरी मदद करो, इस पेड़ को यहाँ से हटाओ।
तुरंत वही लड़का कुल्हाड़ी लेकर आया और पेड़ को हटा दिया। व्यापारी ने बदले में उसे 100 रुपए दिए। अरे बस 100 रुपए? कल तो तुमने उस लड़के को सोने की कुल्हाड़ी दी थी। व्यापारी हंसते हुए कहने लगा, उसने मेरी मदद की थी और तुम चालाकी से पैसे ऐंठना चाहते हो। ऐसा नहीं चलेगा बच्चू, तुम यहाँ से जा सकते हो। सोने की कुल्हाड़ी लेना कोई मजाक नहीं। सियार और शेर, जंगल का माहौल बिल्कुल शांत था। सभी जानवर बहुत परेशान थे क्योंकि राजा शेर काफी दिनों से बीमार थे। उल्लू शेर की देखभाल कर रहा था। हे भगवान, राजा शेर को जल्दी ठीक करो, पूरा जंगल परेशान है। हमारा क्या होगा, कोई भी खुश नहीं है। ये लो प्रसाद भालू भाई, इसे खिला दो, इस प्रसाद में बहुत ताकत है। मुझे पूरा विश्वास है इसे खाकर राजा जी जरूर ठीक हो जाएंगे। बंदर ने भालू से कहा। बंदर, भालू और उल्लू ने दिन रात राजा शेर की देखभाल की। सियार यह सब देखकर बहुत नाखुश था। वह नहीं चाहता था कि राजा फिर से स्वस्थ हो जाए। एक दिन सियार ने बंदर को मंदिर से राजा के लिए प्रसाद लाते हुए देखा। अरे दोस्त, कहाँ जा रहे हो ये प्रसाद लेकर? ये राजा जी के लिए है, मुझे पूरा विश्वास है अगर राजा जी रोज भगवान का प्रसाद खाएंगे और उल्लू वैद्य जी दवाई खिलाएंगे तो वे बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता अब राजा शेर कभी ठीक हो पाएंगे, और अगला राजा मुझे तो लगता है मैं ही बनूंगा। चुप हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे राजा जरूर ठीक होंगे। और तुम कभी राजा नहीं बनोगे, ये सपने देखना छोड़ दो। बंदर जब राजा शेर के पास पहुंचा तो उसने सारी बात भालू और उल्लू को बताई। मुझे तो लगता है कि जरूर राजा शेर की बीमारी के पीछे इस सियार का ही हाथ है। ये राजा बनना चाहता है और शायद इसी लालच में इसने कोई चाल चली होगी, इस पर हमें नजर रखनी चाहिए। अब तीनों मिलकर राजा की देखभाल तो करते ही थे। रात में एक एक करके गुफा के आसपास छिपकर पहरा देने लगे। एक रात बंदर ने देखा सियार राजा शेर के खाने में कुछ मिला रहा था। बंदर ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और शोर मचाया। सभी इकट्ठा हो गए और सब ने मिलकर सियार को पीटना शुरू कर दिया। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो। तभी शेर उठा और सबसे कहा, छोड़ दो इसे, इसके किए की सजा आप लोग इसे दे चुके हैं। आप ठीक हो गए? मैं बीमार तो हूँ सियार, मगर इतना भी नहीं कि सही और गलत को ना पहचान सकूं। तुम इस जंगल से अभी निकाले जाते हो, आज के बाद इस जंगल में तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। और इस तरह सभी जानवरों ने सियार को जंगल से बाहर निकाल दिया और कुछ ही दिनों में राजा शेर फिर से तंदुरुस्त हो गए। प्लीज सब्सक्राइब।